यूनेस्को के द्वारा कुछ भारतीय रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है और यह यूनेस्को समय समय पर विश्व के कुछ स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल करता रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अभी यही बात करने वाले हैं कि यूनेस्को के द्वारा जो भारतीय रेल मार्गों को सूची में शामिल किया गया है, तो इसमें कितनी रेल मार्ग हैं, कब शामिल किया गया है और इनके नाम क्या हैं, इन सारी जानकारी को देखेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामों में, यह पार्ट बनता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यह इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर बात करते हैं तो यह है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो हिंदी में है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इस यूनेस्को का कार्य है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, सांस्कृतिक एवं संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना और पूरे विश्व में शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, इसका जो मुख्य कार्य है वह है शिक्षा, प्रकृति और समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना है और पूरे विश्व को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाना है इसका काम। तो यूनेस्को के बारे में जानकारी को भी जानना है। दोस्तों, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल करने का उद्देश्य है कि विश्व के इन स्थानों की संस्कृति और धरोहर को बचाकर रखना है ताकि आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी मिलती रहे। तो यूनेस्को के द्वारा में विश्व विरासत सूची में शामिल करने का जो उद्देश्य है, विश्व के विभिन्न स्थानों, विभिन्न जगहों, विभिन्न चीज़ों को यह विश्व विरासत सूची में शामिल करता रहा है। तो इसका उद्देश्य है कि इसकी संस्कृति, उस जगह की संस्कृति और धरोहर जो भी हैं उनको बचाकर रखना है ताकि आने वाले जो पीढ़ी हैं उनको और अभी वर्तमान पीढ़ी के लोगों को इसकी जानकारी मिलती रहे। तो यह इसका उद्देश्य है। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुआ है यह देख लेते हैं। तो यूनेस्को की स्थापना हुआ है 16 नवंबर 1945 को, यानी कि 16 नवंबर 1945 को, और इसका मुख्यालय है पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है। तो इसका मुख्यालय है पेरिस में, फ्रांस में, और इसकी स्थापना हुआ है 16 नवंबर 1945 को। अब इंडियन रेलवे के अंतर्गत जो मैंने आप लोगों को बताऊंगा बोला था उसकी ओर देखते हैं, उसके समझते हैं। तो इंडियन रेलवे के अंतर्गत कुल 4 भारतीय रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। जब केवल हम लोग सिर्फ इंडियन रेलवे के अंतर्गत बात करते हैं तब तो 4 भारतीय रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसमें से पहाड़ी क्षेत्र के 3 रेलवे मार्ग हैं और इसके अलावा है एक छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। तो पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत में 3 रेलवे मार्ग जो हैं उनको देखते हैं। तो पहला है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दूसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे और तीसरा है कालका शिमला रेलवे। तो ये पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत में आने वाले भारतीय रेल मार्ग हैं। दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है और भारत के उत्तरी दिशा की ओर, ऊपरी भाग की ओर पड़ता है, तो यह पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। साथ ही साथ नीलगिरी माउंटेन रेलवे, यह भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में है, तो वहाँ भी अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ हैं, तो यह नीलगिरी माउंटेन रेलवे भी पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। और साथ ही साथ कालका शिमला रेलवे जो हिमाचल प्रदेश में चलता है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश भी पहाड़ी क्षेत्र है। तो यह तीनों हैं पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत। तो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को हम लोग ट्रॉय ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, इसका उपनाम है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे का उपनाम है ब्लू माउंटेन ट्रेन और कालका शिमला रेलवे का जो उपनाम है वह भी है ट्रॉय ट्रेन। तो ये तीनों नामों को ध्यान रखना है। ट्रॉय ट्रेन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को कहा जाता है, ब्लू माउंटेन ट्रेन नीलगिरी माउंटेन रेलवे को कहा जाता है, और ट्रॉय ट्रेन कालका शिमला रेलवे को भी कहा जाता है। और इनको, इन तीनों को वर्ष 1999 यानी कि 1999 में शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में। तो इन तीनों को 1999 में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो चौथा रेलमार्ग है या जो चौथा जगह है या टर्मिनल है वह है
छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, इसका पहले नाम था विक्टोरिया टर्मिनल और उससे भी पहले इसका नाम था बोरी बंदर। तो इस प्रकार से ये चारों जो हैं वह यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यानी कि CST इसको हम लोग कहते हैं, तो इसे वर्ष 2004 में शामिल किया गया है। तो CST को 2004 में और बाद बाकी तीनों पहाड़ी रेलवे के जो क्षेत्र हैं उस रेलवे में 1999 में शामिल किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है तो आपको मैं ये बता दे रहा हूँ। तो भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। तो दोस्तों भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। टोटल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी और यही मुंबई में जो पहली बार जो ट्रेन चली थी मुंबई से, तो उस स्टेशन का नाम जो है वह बोरी बंदर था, यानी कि बोरी बंदर से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। और यह भारत में पहली बार ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किसके शासनकाल में भारत में पहली बार ट्रेन चला था, तो उसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी चली और वह डेट था 16 अप्रैल 1853। जब हम भारतीय रेलवे के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से जानकारी को देखेंगे। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर यह चीज़ को ध्यान रखना है कि यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में भारत के चार रेल मार्गों या भारत के चार रेलवे से संबंधित स्थानों को शामिल किया गया है। थैंक यू दोस्तों।